अरे मैं तुम्हारी शक्ल देख के हंस रहा हूँ, तुम्हारी इतनी लंबी दाढ़ी निकल आई है। अरे मैं भी तुम्हारी शक्ल देख कर ही तो हंस रहा हूँ। अरे ये तो असली दाढ़ी है मोटू। हाँ पतलू, लेकिन ये कैसे हो गया? अरे हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। मेरे प्यारे मोटू पतलू, मैंने एक खास केमिकल लगाकर तुम्हारी दाढ़ी बढ़ा दी है। अब ये दाढ़ी दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा उसकी भी ऐसी ही दाढ़ी हो जाएगी। तुम्हारा नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा दुश्मन और अशुभ चिंतक जॉन। चलो पतलू, हम जॉन को नहीं छोड़ेंगे। ओए, देख के नहीं चल सकते क्या? अरे ये क्या कार्टून बन के घूम रहे हो? अरे कुछ नहीं बड़े भैया, अभी हम जल्दी में हैं, बाद में बताते हैं। ओए, ऐसे कैसे चल दिए? धक्का दिया है तो कुछ पंचस तो खाते जाओ। ओए, आज तुम पंच खाने से पहले क्यों हंस रहे हो? बड़े भैया अभी पता चल जाएगा, आप अपना काम करो। अरे हम मार खाने के बाद बताएंगे, वरना आप और ज्यादा मारोगे। अब तो बता दो। देखो तुम्हारी भी दाढ़ी निकल आई है, हमारे ही जैसी। अरे देख लूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं। नीचे तो आओ। अरे मोटू पतलू, ये कैसी अजीब सी दाढ़ी बढ़ा रखी है, बड़े फनी लग रहे हो। जरा दिखाओ तो, असली है या नकली? हा? अगर ये दिखाने के लिए रुके तो कुछ ही देर में तुम भी फनी लगोगी। अच्छा है कि औरतों की दाढ़ी नहीं निकलती। मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। अरे हंसना बंद करो, तुम्हारी भी दाढ़ी निकल आई है। ये क्या कर लिया? अरे इसे निकालो, हटाओ इसे। आज पता चला औरतों को भी दाढ़ी निकलती है। अरे अरे देख क्या रहे हो, मोटू पतलू को पकड़ लो, इनकी वजह से मेरी दाढ़ी निकल आई है। अरे अरे हंसना बंद करो, देखो तुम सबकी भी दाढ़ी निकल आई है। चिंगम सर हमें बचाओ, लोग हमें पीटने के लिए आ रहे हैं। तुम पहले ये बताओ, अयम्मा ऐसे कार्टून बन के क्यों घूम रहे हो? निकालो दाढ़ी को, निकालो। दूर 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 रहना चिंगम सर, हमारे पास मत आना। अयम्मा मोटू पतलू, तुम मेरे पुलिस स्टेशन में मुझे ही दूर भगा रहे हो। तुम्हें बताना होगा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ए रब मेरी, तुम्हारी दाढ़ी।
सर सर सुनिए तो सर। अरे ठीक नहीं है तो आप वो कैसे ठीक करे? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ठीक करो अभी के अभी। ठीक 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 करो। चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल बोले तो यम पॉसिबल। मोटू पतलू को हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। कहाँ है? कहाँ है मोटू पतलू? चाय वाले भैया, ओ चाय वाले भैया, देखो तो मोटू पतलू की वजह से मेरी दाढ़ी निकल आई है। मैं तो मोटू पतलू को छोड़ूंगी नहीं। कहाँ है? कहाँ है मोटू पतलू? बोलो बोलो। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, सबकी दाढ़ी ठीक हो जाएगी अगर मोटू पतलू की दाढ़ी तो चला। वाह गुरुजी वाह, क्या कभी तक कही है। लो बाबा जी कह रहे हैं कि मोटू पतलू की दाढ़ी जला दो तो हम सब ठीक हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हो बाबा जी? सच और झूठ का हम नहीं करते फैसला, सबकी दाढ़ी ठीक हो जाएगी अगर मोटू पतलू की दाढ़ी तो जला। ओए चलो मोटू पतलू की दाढ़ी जला दो। अरे मोटू पतलू, अरे कहाँ हो भाया? आज ये मैं कहता हूँ भाग लो, लोग तुम्हारी दाढ़ी जलाने आ रहे हैं। डॉक्टर झटका को फोन कर दिया है, वो इस दाढ़ी को ठीक करने का एंटीडोट तैयार कर रहे हैं। चलो जल्दी उनके पास चलते हैं। उड़ी बाबा, ये कैसी दाढ़ी है? बात बात में पहले एंटीडोट को लगा लो यार। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू। अब चलो उस जॉन को सबक सिखाते हैं। जॉन को सबक सिखाने के बाद सबको एंटीडोट लगा के ठीक कर देंगे। मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। अरे बॉक्सर भैया, जल्दी सबको लेकर यहीं आ जाओ, मोटू पतलू यहीं है। मोटू पतलू यही है, जला दो इनकी दाढ़ी, जला दो। मारो मोटू पतलू को, मारो दाढ़ी जला दो। अरे रुक जाओ, मैंने इनकी दाढ़ी जला दी है, आग लगाते ही नीचे गिर गई, ये देखो। मुझे जलाने से कुछ नहीं होगा। इस बाबा की दाढ़ी जलाओ, सब ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन पहले इस बाबा को मारो, ये नकली बाबा है, फिर इसकी दाढ़ी जलाओ। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? दाढ़ी कैसे बोल सकती है? इस बाबा को मारो। मेरी दाढ़ी नकली है, मैं चाहूं चौथा डॉन। ये देखो अंदर असली दाढ़ी छुपा के।
गाड़ी मत चलाओ, मत चलाओ, मुझे सबसे बचाओ, बचाओ। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता के बच्चे कविता को छोड़ो और भागते रहो।